तो बेटे कल तक हमने जो एंगल्स पढ़े हैं, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ एंगल्स, एंगल्स फॉर्मड बाय अ ट्रांसवर्सल। इतना हमने कल तक पढ़ा है। लाइन्स एंड एंगल्स हमारा टॉपिक है, लाइन्स एंड एंगल्स। तो लाइन्स एंड एंगल्स में जो कोई भी हमने एंगल्स पेयर्स पढ़े हैं, उन पेयर्स ऑफ एंगल्स में मैंने आपको बता दिया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। आई सेड अबाउट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, आई सेड अबाउट सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स। हमने पढ़ा है एडजेसेंट पेयर ऑफ एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स। हमने पढ़ा है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। हमने इसमें पढ़ा है एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ये पेयर ऑफ एंगल्स हमने पढ़ा, और हमने एक और पेयर भी पढ़ा है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए आपने पढ़ा है ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ए और बी का सम 90 जब होगा तो ए और बी होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अगर ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री तो ए और बी को हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स हो गया जिनमें एक आर्म कॉमन होती है, ये एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हो गए वो एडजेसेंट एंगल्स जिनकी नॉन कॉमन आर्म्स अपोजिट रेज होती हैं, ये नॉन कॉमन आर्म्स है, दीज आर अपोजिट रेज। एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन, एक ही लाइन पर जब दो से ज्यादा एंगल्स बनते हैं, 1 2 3 4 जितने भी बनेंगे एक ही लाइन पर, तो इनको हम कहते हैं एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन। और इनका सम भी 180 ही होता है, लेकिन इनको लीनियर पेयर नहीं कहेंगे क्योंकि ये दो से ज्यादा है। इसी तरह वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमने पढ़ा है कि जब दो लाइन्स इंटरसेक्ट करती हैं एक पॉइंट पर, तो जो वहां पर चार एंगल्स बनते हैं उन चार एंगल्स के दो पेयर्स होते हैं। एंड वन एंड टू आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, 3 एंड 4 आर ऑल्सो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ये लास्ट वीडियो में हमने सारे पढ़े हैं। तो उसके बाद हमने कंटिन्यू किया था नेम्स ऑफ एंगल्स फॉर्मड बाय अ ट्रांसवर्सल। जब दो लाइन्स को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो कौन से एंगल्स बनते हैं, और उस पर मैंने आपको ये कहा कि वहां पर शर्त नहीं है कि लाइन्स पैरेलल है या नहीं है, ऐसा नहीं है। सपोज दिस इज अ लाइन एंड दिस इज अनदर लाइन, एंड लेट दीज लाइन्स आर नॉट पैरेलल लाइन्स, एंड दिस इज थर्ड लाइन विच इंटरसेक्ट इज बोथ द टू लाइन्स, एंड दिस थर्ड लाइन इज कॉल्ड हियर ट्रांसवर्सल। इसको ट्रांसवर्सल कहते हैं। यहां पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है। तो एट एंगल्स मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा आपको, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, एट एंगल्स आर फॉर्मड इफ टू लाइन्स आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल। और मैंने ये कहा, फिर से मैं बता रहा हूं कि ये लाइन्स पैरेलल होना जरूरी नहीं है। तो ये एट एंगल्स में देखिए बेटा, मैं आपको सबसे पहले इन दो लाइन्स के बीच वाले एंगल्स दिखाऊंगा, एंगल नंबर 3 4 5 एंड 6, एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 एंड एंगल 6। ऑल दीज एंगल्स लाई बिटवीन टू गिवन लाइन्स। जो दो लाइन्स थी ये इन्हीं के बीच में आते हैं, तो इन सारे एंगल्स को हम कहते हैं इंटीरियर एंगल्स। तो ये हो गए इंटीरियर एंगल्स। समझ आ रहे हैं ना आपको? दो लाइन्स के अंदर वाले एंगल्स जो हैं, ये जो चार एंगल्स है 3 4 5 6, इनको हम इंटीरियर कहते हैं। इन इंटीरियर एंगल्स में अगर एक एंगल
ट्रांसवर्सल के एक साइड में और दूसरा एंगल ट्रांसवर्सल के दूसरे साइड में, लेकिन एक छोड़ के एक जब ये आते हैं तो इनको हम कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं? थ्री के बाद आना चाहिए था किसको? फोर को, लेकिन फोर को मैं छोड़ के फाइव को यूज करूंगा। थ्री एंड फाइव, दीज आर कॉल्ड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इफ वन एंगल इज वन साइड एंड अनदर एंगल इज अनदर साइड, बट दीज टू एंगल्स आर वन आफ्टर अनदर, दे आर कॉल्ड अल्टरनेट इंटीरियर। तो इनमें आते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एक तो आपने देखा इंटीरियर में ये चार होते हैं, चार के बाद मैंने कहा पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कौन कौन? थ्री एंड फाइव, फोर एंड सिक्स, दीज आर कॉल्ड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एक छोड़ के एक। जैसे कि आफ्टर थ्री इट शुड बी फोर, बट आई लीव फोर आई यूज फाइव। थ्री और फाइव अल्टरनेट इंटीरियर, फोर एंड सिक्स अल्टरनेट इंटीरियर, ये हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो उसके बाद आता है एक और बंडल ऑफ एंगल्स, उनको हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल्स, देखिए बेटा लाइन्स के जो बाहर, जो लाइन्स के बाहर के तरफ एंगल्स हैं, वन टू सेवन एंड एट, एंगल वन एंगल टू एंगल सेवन एंड एंगल एट, दीज आर एक्सटीरियर एंगल्स विच आर इन द आउटसाइड ऑफ द लाइन्स, दीज आर द एक्सटीरियर एंगल्स। तो इन एक्सटीरियर एंगल्स में भी अल्टरनेट होते हैं, जैसे कि अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। कौन कौन? वन के बाद कौन है? टू, एक्सटीरियर में, लेकिन मैं टू को छोड़ूंगा, किसको लूंगा? सेवन, वन एंड सेवन अल्टरनेट एक्सटीरियर, टू एंड एट अल्टरनेट एक्सटीरियर, दीज आर द अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो ये कुछ और पेयर्स मैं बता रहा हूं। उसके बाद कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स यहां पर रिलेशंस में आते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, देखिए बेटा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से एंगल्स हैं? वो एंगल्स जिनमें सेम फीचर्स होते हैं, हैविंग सेम फीचर्स, हैविंग सेम फीचर्स, जिनकी खासलत एक जैसी हो, वो ये है। उनमें क्या है? उनमें एक इंटीरियर होता है और एक एक्सटीरियर होता है। हमेशा वन इज इंटीरियर एंड अनदर इज एक्सटीरियर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में, एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर। जैसे ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में वन फोर फाइव एंड एट आते हैं, इनमें ये एक्सटीरियर है और ये इंटीरियर है। वन और फाइव दोनों की फीचर सेम है ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में, और ये भी लाइन के ऊपर है और ये भी लाइन के ऊपर है। वन फाइव एक पेयर है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का, फोर एट दूसरा पेयर है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का, टू सिक्स एंड थ्री सेवन, दीज आर द पेयर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये कुछ और पेयर्स जो आपने पढ़े हैं, क्या क्या? एक पढ़ा आपने इंटीरियर एंगल्स, दूसरा पढ़ा पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स एंड अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, उसके बाद पढ़ा आपने कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो फिर आगे अगर लाइन्स पैरेलल होती हैं तो उस वक्त क्या कुछ होता है, तो उसको हम कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन्स विच आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल। तो यहां पर मैं लिखता हूं, नंबर वन, इफ टू पैरेलल लाइन्स, पैरेलल
lines are intersected by a transversal, then number one, corresponding angles are equal. Number two, alternate interior angles are equal. Number three, alternate exterior angles are equal. Number four, co-interior or adjacent interior angles are supplementary. Supplementary मतलब हो गया जिनका सम 180 होगा. ये देखिए मैं समझाऊंगा आपको, फिर से एग्जाम्पल मैं बना दूंगा. दो लाइनेज और मैंने कहा ये दोनों लाइनेज इस वक्त पैरेलल लाइनेज हैं. एंड दिस इज अ ट्रांसवर्सल विच इंटरसेक्ट देम. एंगल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 एंगल्स आर फॉर्मड. तो यहां पर मैं कह दूंगा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8. ये हो गए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. इनको सारे को हम कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. उसके बाद मैं कहूंगा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6. तो इनको हम कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. उसके बाद हम कहते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री. दीज आर कॉल्ड को इंटीरियर एंगल्स. एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री. दिस ऑल्सो इज को इंटीरियर एंगल्स. तो ये हो गए को इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. दिस हैपन्स ओनली व्हेन द लाइन्स आर पैरेलल. तो इसलिए इसका कन्वर्सली क्या होता है, इफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन लाइन्स विल बी पैरेलल. इफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन लाइन्स आर पैरेलल. इफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन लाइन्स आर पैरेलल. If co-interior or adjacent interior angles are supplementary, then also the lines are parallel. ये उसको हम कहते हैं converse of the property. Basic property क्या है? अगर दो lines parallel हैं, तो corresponding angles equal होंगे. Alternate interior angles भी equal होंगे. Co-interior angles supplementary होंगे. ठीक? Alternate exterior angles भी equal होते हैं. फिर कन्वर्स प्रॉपर्टी में आता है, अगर कोई इंटीरियर या एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री हैं, तो हम कहेंगे उस वक्त फिर वो दोनों लाइनेस क्या होंगे, पैरेलल. इफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन लाइनेस आर पैरेलल. अगर अल्टरनेट, जैसे कि मैं एग्जांपल से आपको समझाऊंगा, ये दो लाइनेस मैं ड्रा कर रहा हूं, ये मैं नहीं कहता हूं दीज आर पैरेलल. मुझे पता नहीं है ये पैरेलल है या नहीं है, ये ट्रांसवर्सल मैंने ड्रा करना है. फिर मैं कहता हूं दीज टू लाइनेज आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल इन सच ए वे दैट एंगल 1 एंड एंगल 2, यहां पर ये दो एंगल्स इक्वल है. तो आपने पहचानना है ये ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में दोनों आते हैं. ठीक, ये लाइन के ऊपर है, ये भी लाइन के ऊपर है, तो इनको हम कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, तो उसका मतलब है ये दोनों लाइनेस पैरेलल होती हैं. तो ये लाइनेस पैरेलल है. इसी तरह अगर यहां पर दो लाइनेस हैं, ये ट्रांसवर्सल ड्रा हुआ है, फिर मैं कहूंगा ये एंगल इस एंगल के बराबर है, आप पहचानेंगे ये दोनों इंटीरियर एंगल्स है लाइनेस के बीच में, और एक ट्रांसवर्सल के इस साइड में, दूसरा ट्रांसवर्सल के इस साइड में, एक ऊपर वाली लाइन के नीचे, दूसरा नीचे वाली लाइन के ऊपर,
तो इसका मतलब है ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। जब ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए तो इसका मतलब है कि ये दोनों लाइनेस पैरेलल होती हैं। हाँ एक चीज है, ये एंगल्स उस वक्त भी बनते हैं जब लाइनेस पैरेलल नहीं होते हैं, लेकिन वहां पर ये एंगल्स इक्वल नहीं होते हैं। तो चलिए बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे इसकी एक्सरसाइज, और मुझे उम्मीद है कि आप हर एक क्वेश्चन को इजीली अब सॉल्व कर सकते हैं। एक्सरसाइज 10A, फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ लाइन्स एंड एंगल। तो पहली एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए अपने ये पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स एज कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री और इक्वल। क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट, व्हाट इज इट? 77 डिग्री एंड 103 डिग्री। आप बताइए ये दो कौन से एंगल्स है, क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री है, क्या ये सप्लीमेंट्री है, कि ये इक्वल? इक्वल तो नहीं है क्योंकि ये है 77 और ये है 103, तो इसका मतलब ये इक्वल एंगल्स नहीं है। अब देखिए मैं इसके सॉल्यूशन में इन दोनों का एडिशन लूंगा क्योंकि मुझे पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में एड सम होता है 90 और सप्लीमेंट्री में 180। यह है 77 प्लस करना है मुझे इसको 103। 7 + 3 = 10, कैरी 1, 7 + 8 तो इनका सम क्या आता है 180। देयर फोर सप्लीमेंट्री एंगल्स, ये आ गए सप्लीमेंट्री एंगल्स। बी पार्ट जैसा है, 177 डिग्री एंड 177 डिग्री, ये दोनों 177 है तो हम लिखेंगे दे आर इक्वल एंगल्स, ये दोनों बराबर है। जैसे कि डी पार्ट है, यहां पर मैं डी पार्ट के लिए दिखाऊंगा 3 डिग्री एंड 87 डिग्री, तो सॉल्यूशन में मैं इनका सम लूंगा, इक्वल तो नहीं है। अब 3 + 87 दैट इज इक्वल टू 90, तो ये बन गए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्या? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो इस तरह से बाकी के पार्ट्स भी आप आराम से कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए ओ डी इज अ लाइन, एक लाइन इस तरह बनी है, दिस इज ए, दिस इज ओ एंड दिस इज डी, ए ओ डी। यहां पर ओ सी एक रे है, ओ सी इज द रे, देयर इज अनदर रे ओ बी, ओ बी इज अनदर रे। ठीक, क्वेश्चन है नेम द एडजेसेंट एंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। मैंने एडजेसेंट एंगल्स का नाम लिखना है, एडजेसेंट एंगल्स। नंबर 1, पहला एडजेसेंट पेयर क्या है? ये एंगल और ये एंगल, ये है ना एडजेसेंट एंगल्स, वो दो एंगल्स जिनमें एक आर्म कॉमन होती है। तो मैं लिखूंगा एडजेसेंट एंगल्स में एंगल ए ओ बी एंड बी ओ सी, एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी, ये हुए एडजेसेंट। सेकेंड पियर एडजेसेंट का, एंगल बी ओ सी एंड सी ओ डी, क्योंकि इन दो एंगल्स में ये आर्म कॉमन है, एंगल बी ओ सी एंड एंगल सी ओ डी, ये हो गए एडजेसेंट एंगल्स। जैसे कि दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में दो और लाइन इज पी क्यू एंड एक्स वाई, ये मैं दिखा रहा हूं यहां पर, दिस इज लाइन पी क्यू एंड अनदर लाइन इज एक्स वाई, दिस इज लाइन एक्स वाई।
अब देखो बेटा, ये एंगल और ये एंगल दीज आर एडजेसेंट एंगल्स, यहां पर ओ है नाम, तो आप नाम बता सकते हैं पी ओ एक्स एंड क्यू ओ एक्स, एडजेसेंट एंगल्स, एंगल पी ओ एक्स एंड एंगल क्यू ओ एक्स, ये हो गया एडजेसेंट। इसी तरह पी ओ वाई एंड क्यू ओ वाई, एंगल पी ओ वाई एंड एंगल क्यू ओ वाई एडजेसेंट पेयर है। इसी तरह एंगल वाई ओ क्यू ओ वाई एंड क्यू ओ एक्स, ये एडजेसेंट पेयर है। तो इसमें भी एडजेसेंट पेयर्स आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री, आइडेंटिफाई द लीनियर पेयर्स इन फिगर बी इन क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू के फिगर बी में लीनियर पेयर्स निकालिए। देखो मैं अलग से ये दिखाऊंगा, ये है क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर थ्री के लिए फिगर ये है, दिस इज लाइन पी क्यू एंड देयर इज अनदर लाइन एक्स वाई, एक्स वाई, बोथ द टू लाइन इज इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। आइडेंटिफाई द लीनियर पेयर्स इन द फिगर बी। लीनियर पेयर, लीनियर पेयर में हमने कहा कि वो दो लाइनें जो एक ही लाइन के ऊपर आते हैं। देखो बेटा, लाइन में पी क्यू लेता हूं, पी क्यू लाइन पर ये एंगल और ये एंगल आते हैं ना, ये लीनियर पेयर है। मैं लाइन एक्स वाई लूंगा, एक्स वाई पर ये एंगल और ये एंगल है, ये तो लीनियर पेयर है। या ये एंगल और ये एंगल पी क्यू पर है तो ये भी लीनियर पेयर है। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, नंबर वन लाइन पी क्यू, इस पर है एंगल पी ओ एक्स एंड क्यू ओ एक्स, एंगल पी ओ एक्स एंड एंगल क्यू ओ एक्स। नंबर टू सेकेंड पेयर लीनियर पेयर का है, एक्स ओ क्यू एंड क्यू ओ वाई, एक्स वाई है लाइन, एंगल एक्स ओ क्यू एंड एंगल क्यू ओ वाई। थर्ड टाइप, थर्ड पेयर क्यू ओ वाई एंड पी ओ वाई, एंगल क्यू ओ वाई एंड एंगल पी ओ वाई। फोर्थ पेयर एंगल वाई ओ पी एंड पी ओ एक्स, एंगल वाई ओ पी एंड एंगल पी ओ एक्स, ये हो गए लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। क्वेश्चन नंबर फोर, आइडेंटिफाई द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इन फिगर बी। अब इसी फिगर में वर्टिकली, क्वेश्चन नंबर फोर के लिए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देखो बेटा, ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट, ये और ये वर्टिकली अपोजिट, तो मैं नाम इस तरह लूंगा पी ओ वाई एंड क्यू ओ एक्स, ये हमें वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एंगल पी ओ वाई एंड एंगल क्यू ओ एक्स। दूसरा पेयर है एंगल पी ओ एक्स एंड क्यू ओ वाई, एंगल पी ओ एक्स एंड एंगल क्यू ओ वाई, दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव, राइट द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग। अब कुछ और एंगल्स हैं, इनके कॉम्प्लीमेंट्स लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव में पार्ट ए है 45 डिग्री, 45 का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स तो मैंने बता दिए ना, वो एंगल्स जिनका सम 90 होता है। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 90 माइनस 45, दैट इज इक्वल टू 45, ये कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री का सम 90 होता है। जैसे बी पार्ट है 40 डिग्री, इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है, तो कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा इसका, इट इज 90 माइनस 40 विच इज इक्वल टू 50 डिग्री, क्योंकि 50 और 40 आ गए ना 90, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स, सिक्स में आपने लिखना है राइट द सप्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग। ए पार्ट 80 डिग्री, सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री,
तो 180 का सप्लीमेंट, ये ना 80 का सप्लीमेंट क्या आएगा? तो सॉल्यूशन में आप लिखेंगे इसका सप्लीमेंट, सप्लीमेंट सप्लीमेंट क्या आएगा इसका, 180 माइनस 80 दैट इज इक्वल टू 100 डिग्री, ये है इसका सप्लीमेंट। अभी है बी पार्ट 10 डिग्री, तो 10 का सप्लीमेंट क्या आएगा? सॉल्यूशन में आप लिखेंगे सप्लीमेंट 180 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 170 डिग्री, तो ये आते हैं सप्लीमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6। अब है क्वेश्चन नंबर 7। द मेजर ऑफ वन एंगल इज गिवन इन द फॉलोइंग फिगर, फाइंड ऑल अदर एंगल्स। एक एंगल दिया है, बाकी सारे एंगल्स हमें फाइंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1 यहां पर इस तरह है। ए बी सी डी, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। इसमें से ये एंगल यहां पर मेंशन है 93 डिग्री। अब बाकी सारे एंगल्स हमें निकालने हैं। देखो बेटा, ये एक लाइन है, इसी लाइन के ऊपर ये दो एंगल्स है, तो इन दो का सम कितना आना चाहिए? 180, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। जैसे कि ये इसका नाम है ओ, मैं इसके सॉल्यूशन में लिखता हूं एंगल ए ओ बी गोया एंगल प्लस एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू 180, क्योंकि ये दोनों लीनियर पेयर हैं। लीनियर पेयर के एंगल्स का सम 180 होता है। एंगल ए ओ बी का वैल्यू है 93 प्लस एंगल ए ओ डी कितना आएगा, इज इक्वल टू 180। ओनली एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू 180 माइनस 93, दैट इज एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू दहन वालों त्रेतुज सात साधन वालों नौ तेतुज 83 डिग्री इसका वैल्यू, 87 डिग्री आएगा इसका वैल्यू। अब अगर ये 87 है, ये एंगल और ये एंगल का सम भी 180 आएगा, तो ये आएगा 93, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। एज एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल डी ओ सी, रीजन है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। देयरफॉर एंगल डी ओ सी इज इक्वल टू 93। अब ये एंगल और ये एंगल भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। इसी तरह हम लिखेंगे एज एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी, रीजन है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देयरफॉर ये है ना ए ओ डी कितना 87, देयरफॉर एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 87 डिग्री। तो सेकेंड पार्ट जो इसका है, दूसरी फिगर, वो आप खुद करेंगे। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 भी है, उसमें भी बहुत सारी फिगर्स हैं, 6 फिगर्स, और इन 6 फिगर्स में आपने एंगल्स फाइंड करने। आई होप दैट यू विल डू ऑल दैट इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।